10 लोगों को दिया गया कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज। रंगरा पीएचसी में बुधवार को 10 लोगों को कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा पीएचसी के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन ने कहा कि वर्तमान में स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन का दूसरा डोज दिया गया है। जल्द ही सीनियर सिटीजन का वैक्सीनेशन भी प्रारंभ किया जाएगा। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। थानी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से लें बाहर के खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। रंगरा पीएचसी में 8 लोगों का किया गया कोरोना चेक, सबों की रिपोर्ट नेगेटिव। रंगरा पीएचसी में बुधवार को 8 लोगों का कोरोना चेक किया गया है। जानकारी देते हुए रंगरा पीएचसी के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि सभी 8 लोगों का कोरोना जांच रैपिड एंटीजन किट से किया गया है। सबों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। रंगरा पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार कर थाने से दी जमानत। रंगरा पुलिस ने फरार चल रहे 2 अभियुक्तों बनिया निवासी पिंटू सिंह और महेंद्र सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए कहा कि दोनों अभियुक्तों का मामला जमानतीय होने के कारण दोनों को थाने से ही जमानत दे दी गई है। मास्क जांच अभियान में रंगरा पुलिस ने वसूल किया 500 रुपये जुर्माना। मास्क जांच अभियान में रंगरा पुलिस ने 500 रुपये जुर्माना वसूल किया है। जानकारी देते हुए रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मास्क नहीं पहने कुल 10 लोगों से 500 रुपये जुर्माने की राशि वसूल की गई है। थानाध्यक्ष ने थाना क्षेत्र के सभी लोगों से मास्क पहनकर ही घर से बाहर निकलने की अपील की है। आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हेतु जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।